तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल सरकारी लोक पे। दोस्तों, SSC CGL Tier 2 नॉर्थन रीजन के कैंडिडेट का एडमिट कार्ड आ चुका है। उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दिल्ली, उत्तराखंड और राजस्थान रीजन के कैंडिडेट SSC CGL Tier 2 एडमिट कार्ड किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी नॉर्थ रीजन से हो और SSC CGL Tier 2 का एडमिट कार्ड निकालना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि पूरी जानकारी आप अच्छे से समझ सके। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो सब्सक्राइब आप इसको कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कीजिए आप SSC NR। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है SSC NR का, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो SSC NR की ऑफिशियल साइट है वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड पे क्लिक करके डाउनलोड योर एडमिट कार्ड, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद एडमिट कार्ड फॉर कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022 Tier 2, क्लिक इस पे कर दीजिएगा। उसके बाद ये जो बॉक्स है इस पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। अब इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन आईडी, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ डाल के भी आप निकाल सकते हो, या दूसरा तरीका ये है कि आप अपना नाम यहाँ पे डालें, फादर नेम यहाँ पे डालें, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल के सर्च स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा। ये जो डिटेल है आपको ऐसी डालनी, जैसे आपने SSC CGL का फॉर्म भरते टाइम जो डिटेल डाली थी ऐसी यहाँ पे डालिएगा, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और सर्च स्टेटस पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको फोटो साइन दिख जाएगा, यहाँ पे नाम, फादर नेम, जेंडर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, पेपर दिख जाएगा, किस जगह क्यों कौन कहाँ पे सेंटर गया है वो एग्जाम सेंटर यहाँ पे दिख जाएगा, एग्जाम सिटी पे एग्जाम डेट आपको दिख जाएगी, यहाँ पे टाइम दिख जाएगा कि जो सेशन 1 है वो कितने बजे से कितने बजे तक, और सेशन 2 कितने बजे से कितने बजे तक है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट हो रहा था कि जो सेशन 2 जो है, जो टाइपिंग वाला है, इसमें 40 मिनट क्यों मिले हुए हो, टाइपिंग तो हमारी ओनली 15 मिनट की होगी तो ये 40 मिनट क्यों है। तो इसमें आपका प्रैक्टिस का भी है लेकिन जो आपका एक्चुअल टेस्ट है वो इसमें 15 मिनट का होगा। तो 40 मिनट आपको इसमें दिए जाएंगे जिसमें 15 मिनट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद कुछ फॉर्मेलिटीज होगी और उसके बाद जो आपका एक्चुअल एग्जाम होगा 15 मिनट का होगा। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड स्टेटस, तो एडमिट कार्ड अवेलेबल, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है। अगर आप इंस्ट्रक्शंस देखना चाहते हो तो डाउनलोड इंस्ट्रक्शन PDF पे क्लिक करके इंस्ट्रक्शंस आप डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रिंट डुप्लीकेट एडमिट कार्ड, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। इसको आप प्रिंट निकालना चाहते हो तो प्रिंट निकाल सकते हो, डाउनलोड इसको करना चाहते हो डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट दिस पेज पे क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हो या प्रिंट निकाल सकते हो या डाउनलोड आप कर सकते हैं। और इस पेज पे नीचे की तरफ आप आओगे तो यहाँ पे आपका सेंटर दिख जाएगा कि आपका जो सेंटर कौन सा सेंटर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद आपको क्या क्या लेके जाना होगा, ये जो एडमिट कार्ड है ये तो आपको लेके जाना ही है, उसके साथ साथ आपको एक आईडी लेके जानी होगी। आईडी में आप आधार कार्ड लेके जा सकते हो या कोई और गवर्नमेंट आईडी लेके जा सकते हो, लेकिन उसमें आपका नाम, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ये सेम ऐसा ही होना चाहिए जैसा आपके इस एडमिट कार्ड में है। तो डिटेल ऐसी ही उसमें होनी चाहिए, तो ओरिजिनल आपको लेके जाना होगा। और अपने साथ 2 या 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेके जाइएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पेपर 1 का सेशन 1 सेशन 2 वो दिया हुआ है, वो आप इसमें देख सकते हैं। और इस पेज पे नीचे की तरफ आप आओगे तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी दिया हुआ है, इसका आप प्रिंट निकाल लीजिएगा, भर लीजिएगा इसको। यहाँ पे इंग्लिश में डिटेल डाल लीजिए, कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट रोल नंबर, एग्जाम नेम, एग्जाम डेट, एग्जाम शिफ्ट, एग्जाम वेन्यू नेम, जो सेंटर नेम है वो यहाँ पे डालिए, अपने सिग्नेचर यहाँ पे कर लीजिएगा और इस तरीके से हिंदी में डिटेल्स आप डाल लीजिएगा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन और, इस पेज पे आप ऊपर की तरफ आओगे, पहले हम आपको इसका बता देते हैं। इस पे क्लिक करके ना इंस्ट्रक्शन आप डाउनलोड कर सकते हो, इसको पढ़ सकते हो इंस्ट्रक्शन को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। और इस पेज पे ऊपर की तरफ, इस एडमिट कार्ड पे ऊपर की तरफ आप आओगे तो यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम और एंट्री क्लोजिंग टाइम दिया हुआ है।
तो ये जो एंट्री क्लोजिंग टाइम है, इससे पहले ही आप एंटर कर जाइएगा एग्जाम सेंटर में, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम है, इतने बजे से इतने बजे तक ही एंट्री होगी, और अगर आप इतने बजे के बाद आओगे यहाँ पे, जो टाइम इसके बाद एंट्री करोगे, तो एंट्री आपको नहीं मिलेगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, टाइम से ही आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचिएगा ताकि कोई दिक्कत आपको न हो। यहाँ पे एग्जाम डेट आपको दिख जाएगी, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। तो टाइम से आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचिएगा ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना हो और माइंड फ्रेश होके आप अपना एग्जाम दे सके। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जी। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। जैसे ही सब्सक्राइब आप इसको करोगे, राइट साइड में घंटी निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे, उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। अगर आपका कोई डाउट रह गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आप अपना एग्जाम सिटी भी बता सकते हो और किस डेट में आपका एग्जाम है वो भी आप बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जो मेरा एग्जाम है वो लखनऊ सिटी है और 7 मार्च को मेरा एग्जाम है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।